जैसे कि हमने फर्स्ट मंथली कंप्लीट कर लिया है, तो हम आज एंड क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स का सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट मंथली। तो सेकंड सेमेस्टर में हम 12 चैप्टर और एक चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री का, वो हम कवर करेंगे फर्स्ट मंथ में। तो हमारा पहला पहला चैप्टर है ऑपरेशन ऑन पॉलीनोमियल्स। ऑपरेशन कौन से होते हैं? वैसे तो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे चार ऑपरेशन होता है जो आज हम यूज होते हैं। मगर जैसे कि हमारे लेवल जैसे बढ़ रही है, हम एट क्लास में है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पहले पढ़ लिए, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक आ रही है मल्टीप्लाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। हम पहले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ से हम प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में। तो हमने दो एक्सप्रेशन दिए, पहला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन। हम इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल ईजी भी है कि हमने पहला एक्सप्रेशन लिख लिया से, फिर हमने जैसे मल्टीप्लाई करना है तो हम कोई सिंबल नहीं देंगे। जैसे हम एडिशन में सिंबल देते हैं, सब्ट्रैक्शन में सिंबल देते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल देंगे तो उसमें ही, मगर नहीं देंगे तो समझ लेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है। तो पहला पहला स्टेप में हम कोई भी एक नंबर एक वेरिएबल उठाएंगे यहाँ से, तो हमने यहाँ रख लिया वो वेरिएबल, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर सेम लिख लिया, एन स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, फिर ये प्लस एम मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इस ब्रैकेट से पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया एन स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता है कि अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर आपस में प्लस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया एम पावर फोर। फोर कैसे आया? टू पावर स्क्वायर है, टू पावर स्क्वायर दोनों का सम हो गया तो एम पावर फोर। सेम एज एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एम एन, तो एम और एम एन जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एम क्यूब आ जाएगा और एन मेरे सेम लिखे, प्लस एम स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर, ये बेसिस डिफरेंट है दोनों के, तो मैंने एम स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर सेम लिख लिया। फिर प्लस एन एंड टेन स्क्वायर, ये दोनों के बेसिस डिफरेंट है फिर भी मैंने सेम लिख लिया। अब यहाँ पे एम इंट एम एन, अब एन इंट एन आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो एन स्क्वायर हो जाएगा, मगर एम जो है वो सेम ही रहेगी, प्लस एन एंड टेन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इस पे पावर वन है और इस पे पावर टू है, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो गया। अब देखो इनमें कोई भी टर्म एक जैसा नहीं है, अगर इनके बेसिस पावर सब कुछ सेम हो गए तो आपस में प्लस माइनस हो गए, अगर नहीं हो गए तो हम उनका आंसर यही पे छोड़ देते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये आपके बुक में से एग्जाम्पल है और ये जो है मेरी तरफ से अपनी तरफ से मेरे एग्जाम्पल लिया है, ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है ए माइनस बी, आपको फिर तक में ये लिखना है मगर ये नहीं लिखना, ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस बी स्क्वायर कमा ए माइनस बी। सेम वे से मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने पहले एलिमेंट लिया ए, ए को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर एलिमेंट लिया माइनस बी, अब जो सिंबल यहाँ पे यूज होगी वहां पे ये भी मैं वही सिंबल दूंगा, ऐसे नहीं कि यहाँ से प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए, यहाँ पे प्लस नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस के पहले बी है, बी के पहले क्या है माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस दी, अब ये मल्टीप्लाई सेम में से ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मैंने सेम लिख दिया, ए इंटू ए बी ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर एंड बी सेम रख दी, फिर प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सेम रख दिया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगी, ए सेम हो जाएगी और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगी, ए और बी बी और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। अब ये देखो इनमें से बेसिस और पावर जिसका भी सेम होगा वो आपस में प्लस होंगे। अब देखेंगे पहले पहले ए क्यूब, ए क्यूब जैसा कोई भी टर्म नहीं है इनमें, तो मैंने सेम लिख लिया ए क्यूब, फिर देखेंगे ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी ये टर्म्स दोनों के बेसिस और पावर सेम से, अब ये है माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो आंसर आ जाएगा प्लस हो जाएंगे और आंसर माइनस भी आएगा माइनस टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने सेम लिख लिया। मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहे थे, उनके बेस्ट प्लस कर रहे थे, मगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या करेंगे, उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो प्लस माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा टू ए स्क्वायर बी। अब ये देखो ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, दोनों से पहले प्लस है तो वन इसका क्या हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर सेम लिख दिया। अब बी क्यूब का कोई भी पेयर नहीं है, ये सिर्फ अलोन है, तो हम सेम ही लिखेंगे माइनस बी क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये
आपकी एक्सरसाइज जो 12A है, 12A में तकरीबन 4-5 प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन के, आपको वो करने हैं। कल हम डिवीजन सीखेंगे और आपको ये फिर कॉपी में भी करने होंगे प्रॉब्लम, जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं, मैं आपके पास ये भेज दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए, कुछ रखिए और हम एक दो में रखिए।